हेलो यूट्यूब के सभी जन सबको गुड मॉर्निंग। आज हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है। अब मैंने चाय रख दी है अपनी पकने के लिए। आइए अब चलते हैं चाय लेके ऊपर, देखते हैं छत पर कैसा माहौल है, ठंडा है, हवा चल रही नहीं चल रही है। आ गए हम ऊपर, आ गए हैं। वाह, यहाँ का तो मौसम अच्छा है, थोड़ी हवा हल्की हल्की सी चल रही है, मौसम बढ़िया है थोड़ा। अभी जब तक धूप नहीं निकलेगी जब तक मौसम अच्छा है। और ये हमारे बूटे हैं, ये हमारी सुबह की चाय है। सबसे पहले मेरा सुबह का आगाज़ होता है फजर की नमाज से। बैठ जाती हूँ, मैं थक गई हूँ। नमाज पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा टहलती हूँ, फिर उसके बाद मैं थक गई हूँ। ये सब हमारे बूटे हैं, ये गर्मी की वजह से सब ख़राब हो रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है झुलसाने वाली, बूटे सब झुलसे हुए हैं, सब गुलाब हैं। और इसमें बेला भी लगाया है मैंने, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें बेला भी है, लेकिन जो है ये चल नहीं पा रहा है। और गर्मी बहुत है, और जब बारिश होगी जब ही जा कर के इन बूटों का हाल सही होगा। ये देखिए इनमें तो फूल आता है, बहुत अच्छा फूल आता है, इसे बोलते हैं लुनिया। इसे वैसे तो आम भाषा में लुनिया ही बोलते हैं। इसमें सफ़ेद और हर तरह के फूल आते हैं। इसमें हमारे पास पिंक कलर के हैं, 9 बजे फूल खिलेंगे इसमें। और ये है, ये अभी 7 बजे इसमें फूल खिलेंगे। ये देखिए ये सब बूटे सब ख़राब हो रहे हैं। ये सदाबहार है, सदाबहार भी लगी हुई है, मनी प्लांट है, जो गुलदावदी है। अभी साल में नवंबर के महीने में फूल आएगा। इसमें एलोवेरा भी है, और गेंदा में भी फूल नहीं आ रहा, गेंदे में भी फूल आएगा। सदाबहार है, स्नेक प्लांट है, और इसे क्या बोलते हैं, तुलसी भी है, मोरपंखी भी है। लगभग लगभग थोड़े बहुत बूटे हमने लगा रखे हैं, और सब जो है बारिश के प्यासे बैठे हुए हैं। बारिश होगी जब ही अच्छे होंगे। ये देखिए सब चिड़ियों के लिए दाना आना रखा है मैंने, इसमें पानी रखा है। आप लोग भी अपने अपनी छतों पे दाना पानी चिड़ियों के लिए रखिए। हमारी चिड़ियों का ये बर्तन जो है ना टूट गया है, इसको नया लाना होगा। देखिए ये करेले का जूस बना रही हूँ मैं, ये डायबिटीज़ वालों को बहुत फ़ायदा करता है, अभी बनता है। ये देखिए करेले का जूस बना के मैंने तैयार किया है। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ हो गई है, तो इस वजह से ही करेले का जूस आप बासी मुँह जो होता है ना निहार पेट आप पिलाइए तो बहुत फ़ायदा करता है, फौरन कंट्रोल हो जाता है। ये हमारी सुबह का नाश्ता है, और नाश्ते में अब हम सब लोग बैठ रहे हैं, नाश्ता करेंगे, और फिर जो भी कुछ होगा दोपहर का वो हम आपको साथ शेयर करेंगे। और अब सुबह का नाश्ते के बाद सबने पढ़ाई करनी है अपनी अपनी। अभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और अब जो है मैं दिन का खाना वगैरह बनाती हूँ। सब्जी मैंने पकने रख दी, आज मैं कलेजी बना रही हूँ मटन की, और घर की अब साफ़ सफाई मैं करूँगी, पोछा वगैरह लगाना है, इधर भी सब साफ़ करना है मुझे। देखिए लोगों का काम देखिए पहले किस तरीके से ये लोग फैला के रख देती हैं। छोटी वाली हैं हमारी, छोटी बच्ची हैं, वो बहुत ज़्यादा ये काम बिगाड़ती हैं। देखिए अब ये सबको सब सही करना है मुझे, और बाकी मैं जो भी इसके अलावा दिन का जो भी रूटीन होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी सब्जी बन गई है, लगभग तैयार हो गई है सब्जी। दोपहर का खाना मेरा तैयार हो गया, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। ठीक है अब मैं रोटी पकाऊंगी। ये देखिए मुझे रोटी पकानी है। अब मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ करके तो मैं रोटी नहीं पका सकती हूँ, तो अब मुझे रोटी भी पकानी है। अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में आपसे। रोटी तुम्हारी सीख रही है।
तैयार हो रही है। अब मेरी रोटी बन जाएगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने नमाज़ पढ़ दी है, अब मैं खाना लगाने जा रही हूँ। नमाज़ हमारी पूरी हो गई है, बस अब मैं खाना लगाऊंगी, सब लोग खाना खाएंगे। अब ये खीरा काट रही हैं, सलाद काटने की तैयारी हो रही है। अब जल्दी जल्दी खीरा वगैरह कट जाएगा तो मैं खाना लगाऊंगी। हमारे खाने का दस्तरखान लग गया है, ये देखिए हम लोग सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लगा हुआ है। इनके पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो थोड़ा देर से खाएंगे, हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। आज ये मेरी सुबह से दोपहर तक की फर्स्ट ब्लॉक की पहली रूटीन थी, हुस्ना नूर ब्लॉक की रूटीन, पहली रूटीन मैंने आज शेयर की आप लोगों से। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा आप सब खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।